आप लोगों के दम पे हैं। जितना प्यार स्नेह आप लोगों ने दिया उस सब के लिए एक योजनाकार की आवश्यकता होती है। इस पूरे कार्यक्रम के जो योजनाकार हैं वो मेरे बड़े भाई विजय प्रसाद जी मेरे साथ बैठे हैं, लेकिन कोई भी योजना सफल नहीं होती जब तक एक्सपीरियंस साथ में ना हो। तो हमारे साथ एक लंबे जीवन का जो एक्सपीरियंस हृदयनाथ जी पांडे जी का हमारे साथ में है, ठीक है, मैं 27 देश घूमा, एक्सपोजर हुआ, स्काउटिंग में वर्ल्ड लेवल पे एशिया लेवल पे काम किया और काफी कुछ किया, लेकिन उस एक्सपोजर से ज्यादा जरूरत जो अनुभव है वो अनुभव एच एन पांडे जी का हमारे साथ है। तो ये जो पुस्तकें हैं जो आपके सामने दोनों हैं, द जर्नी टू सक्सीड बाई विजय कुमार प्रसाद एंड माई सेल्फ डॉक्टर विनोद बिदुड़ी एंड सफलता के आयाम, विजय भाई का ही फोटो इसमें लगा हुआ है और ये फोटो भाभी ने खींचा है। ये अंडमान निकोबार के पास एक द्वीप है, करीब 9 किलोमीटर चलना पड़ा था और फिर बाद में भाई की क्या हालत हुई थी वो मुझे पता है, भाभी को 9 किलोमीटर पहले चलना। इस चित्र से और जो चित्र हमारी जर्नी टू सक्सीड है वो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस, तो इसके अंदर छोटे छोटे स्केच है, जो स्केच से आपको आइडिया होगा कि आप अपने पूरे सब्जेक्ट को कैसे करेंगे। अभी मैं निवेदन करूंगा कि विजय भाई दो शब्द कहेंगे और फिर हम विमोचन करेंगे पुस्तक में, और जो आज के मुख्य अतिथि है उनका हम आशीर्वचन वचन यहाँ पे सुनेंगे, क्योंकि लेखक के लिए उसके आए हुए अतिथियों द्वारा कहे गए शब्द एक आशीर्वाद के रूप में है। माननीय अध्यक्ष मंच पे हमारे साथ बैठे हुए हैं, एक ब्रिटेन से हाई कमिश्नर हमारे बीच में है जिन्हें हिंदी से प्यार है, हमारे यहां एक बहुत सुंदर लिखा है कि पुष्प की अभिलाषा, पुष्प ये फ्लावर, अभिलाषा विश, उसने चाहा नहीं खुद को व्याख्यान के रूप में कि वो एक मंदिर में चढ़ के इठलाए, चाहा नहीं उसने किसी राजनेता के गले में जाकर के किसी बड़े व्यक्ति के गले में जाए या किसी बहुत बड़े घर की शोभा बने। उसकी आखिरी कल्पना है जो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो इस देश के लिए जीता और मरता है ऐसे शहीद के यात्रा में मैं काम आ जाऊं, ये पुष्प की अभिलाषा है। तो आपके इस छोटे भाई की सही मायने में इस पूरे परिवार को, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि विजय मेरे बड़े भाई हैं, हमारी 3 पीढ़ियों की दोस्ती है, आज एक सतत प्रहरी के रूप में जिस तरह से उन्होंने ना जाने कितने हजारों करोड़ का फायदा एयरपोर्ट पे भारत सरकार को कराया, कितने लाखों करोड़ की उन्होंने योजनाओं का क्रियान्वयन भारत सरकार में अपने पद पे रहते हुए किया, जैसा पांडे जी ने एक वर्ड बोला था फोकस, तो मैं आपको एक बात से अवगत कराना चाहता हूं कि ये पूरी किताब हमारे अपने जीवन के जो मूल अनुभव है उन पर आधारित है, और जीवन में कुछ सीखने के लिए हम अपने से दूसरों को एक एग्जाम्पल सेट करके, जैसे आपको किसी को यह जानना है कि ये मेरा है या नहीं तो कब पता चलेगा, आपकी जेब में पैसे हैं, आप पे शोहरत है, आप बड़ा नाम है, तो 85 लोग आपके चारों तरफ घूम रहे होंगे, मैनी पीपल आर सराउंडेड विद यू वेन यू आर फुल ऑफ पॉकेट, लेकिन जब आपकी जेब खाली है उसमें उस समय कौन आपके साथ खड़ा है। ये सच्चाई, ये कड़वी सच्चाई आप अपने जीवन में अनुभव करके देखिए कि मुसीबत में जो साथ खड़ा है